पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हाथरस की खबर से। हाथरस कांड की जांच के लिए यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी टीम आज शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है। पहले से तय समय के अनुसार इस मामले में 17 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कही गई थी। बता दें कि घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और इसे हफ्ते भर का समय दिया गया था, लेकिन गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट फाइल करने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया था। ये मियाद 17 अक्टूबर को पूरी हो रही है। दरअसल जांच का दायरा बढ़ाने की वजह से गृह विभाग को यह फैसला लेना पड़ा था। बता दें कि एसआईटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद सीएम योगी ने हाथरस के एसपी सीओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पीड़ित परिवार और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सीएम ने एसआईटी गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी थी। तो हाथरस कांड को लेकर जो एसआईटी अपनी जांच कर रही थी वो जांच पूरी हो चुकी है। एसआईटी अपनी जांच आज सरकार को सौंप सकती है और उसके बाद कुछ और नए तथ्य सामने आ सकते हैं कि किस तरह से पूरी घटनाक्रम हुई, किस तरह से पुलिस वालों ने लापरवाही बरती। और एक तरफ एसआईटी अपनी जांच आज पूरी कर चुकी है तो दूसरी तरफ जो सीबीआई है वो भी अपना जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है। पीड़ित परिवार से पूछताछ हो चुकी है, आज आरोपियों से भी पूछताछ हो सकती है, उनसे कई घंटे पूछताछ हो सकती है, कई सवाल पूछे जा सकते हैं। आज सुबह सीबीआई उनके जो आरोपी थे लोकेश उनके घर भी पहुंची थी, वहां पे कुछ खून से सने हुए सीबीआई को कपड़े भी बरामद किए हैं। तो सीबीआई भी जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करके सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। हाथरस कांड को लेकर जो अभी तक पुलिस और एसआईटी की तरफ से जो जांच की जा रही थी, तमाम लोग इस एसआईटी की जांच में तमाम लोगों से पूछताछ हुई। कई पुलिसकर्मियों पर जो लापरवाही के आरोप लगे थे उन लोगों से भी एसआईटी में पूछताछ की गई। पूरे घटनाक्रम को फिर से रिक्रिएट करके देखा गया सीबीआई की तरफ से और एसआईटी की तरफ से। जो गांव वाले थे उनसे भी पूछताछ हुई। सीबीआई अभी भी लोगों से पूछताछ कर ही रही है, अभी कई लोगों के बयान होने भी बाकी हैं। अभी पीड़ित परिवार से पूछताछ हुई है, आरोपी से पूछताछ हुई है, अभी कई पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ डॉक्टर से भी पूछताछ होगी जिसने लड़की का चेकअप किया था, इलाज किया था। और हाथरस से हमारे संवाददाता सूरज मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, एक तरफ सीबीआई का दायरा बढ़ता जा रहा है जांच का, उसकी लगातार जांच जारी है और जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ एसआईटी अपनी जांच पूरी कर चुकी है, वो आज अपनी जांच सरकार को सौंप सकती है। तो क्या कुछ उसकी जांच में निकलकर सामने वाला, क्या कुछ मायने लगाए जा रहे हैं? जांच का दायरा आज पूरा हो जाएगा। कल अगर एसआईटी अपनी जो जांच है वो मुख्यमंत्री को सौंपेगी, जिसमें हो सकता है कि इन्हें एसआईटी की जांच है वो एक ही बिंदु पर रही है जिससे जो पीड़िता के शव को जो जलाया गया था उस बिंदु पर इन्हें एसआईटी की पूरी जांच रही थी और उसी बिंदु पर जो पुलिसकर्मी जिसमें दोषी पाए गए होंगे उनके खिलाफ ना एसआईटी जांच सौंपेगी और उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। वहीं अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई आज 5वां दिन सीबीआई का यहाँ पर है और हाथरस में सीबीआई 5 दिन से लगातार जो इस पूरे कांड पर, जो हाथरस कांड कही है कि उस पर पूरी नजर बनाए हुए, लगातार जो सीबीआई की जांच है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी भी अगर ना सुबह जो है वो आरोपी जो जिस तरीके से ना आरोपियों के घर पर जो सीबीआई पहुंची है उसके बाद छानबीन की, आरोपियों के घर से जो सबूत जुटाए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि ना जो सीबीआई जो है वो अपने ना जांच पर जो लगातार जांच कर रही है उससे ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं सीबीआई
अपने सही तट पर पहुंच रही है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पीड़िता के परिवार से भी जो महिला है उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी। हालांकि अभी सीबीआई गांव नहीं पहुंची है, मगर लगातार जो सूचना जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि पीड़िता के परिवार की जो महिलाएं हैं उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी। जी धीरेन्द्र जी, सूरज आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो एसआईटी अपनी जांच आज पूरी कर चुकी है और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दूसरी तरफ सीबीआई भी अपनी जांच पूरी कर रही है, काफ़ी तेजी से जांच कर रही, सीबीआई लोगों से पूछताछ कर रही, साक्ष्य जुटाने में भी जुटी हुई है। क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया गया था। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच जारी है। आज सीबीआई की जांच का चौथा दिन है जहां रिमांड लेने की कोशिश की गई है। लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, एक तरफ सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ लगातार कर रही है, एसआईटी आज अपनी जांच सौंपने वाली है, क्या कुछ मायने लगाए जा रहे हैं? एसआईटी की तरफ से जो जांच की गई है वो सही ढंग से हुई है या फिर नहीं? देखिए, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हाथरस मामले में शुरुआत से ही लूपहोल खड़े हो रहे थे और ये बताया जा रहा था कि जिला प्रशासन और पुलिस का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा सही नहीं था, इसीलिए हाथरस पे सियासी घमासान हुआ। अब जो 17 दिन की एसआईटी की स्पेशल रिपोर्ट को जो जांच इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, तीन बड़े आईपीएस अफसर लगे हुए हैं, उसमें ये ज़रूर ये खोजने की कोशिश की गई है कि जो रात में अंतिम संस्कार हुआ था वो किसके दबाव में हुआ था, क्या जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों का फैसला था या फिर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों का फैसला था। इस बात को लेकर के भी जाँच हो रही थी कि आखिरकार जो वहां पर लोग मौजूद थे वो किस तरीके की गवाह बन सकते हैं कोर्ट के सामने, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों को। तो ये कहा जा सकता है कि 17 दिन की अहम जांच में ये बहुत ज्यादा सामने आएगा कि आखिरकार किसकी लापरवाही थी और किसकी नहीं, और साथ ही साथ जो हत्या के बाद दुष्कर्म की जो बात सामने आ रही थी उसमें जो गवाह लोग हैं वो किस तरीके से लोग आगे आके खड़े होते हैं। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ साथ 120 ऐसे लोगों की गवाही ली गई है, उनके बयान दर्ज किए हैं, गांव के लोग हैं जो उस वक्त पीड़िता या घर वालों के आसपास थे। बड़ी बात यह भी है कि जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों के भी बयान एसआईटी के बड़े अधिकारियों ने दर्ज किया और साथ ही साथ वो पुलिस अफसर जो इस पूरे मामले में सस्पेंड हो रहे हैं। तो आज एक अहम दिन है और ये कहा जा सकता है कि 17वां दिन, ये 17 दिन पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन के बहुत अहम है और 17वें दिन जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आएगा, जो मुख्यमंत्री को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कितना बड़ा किसके ऊपर एक्शन होता है। तो आज शाम को ये सब कहा जा सकता है कि एसआईटी की टीम अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। एसआईटी अपनी जांच पूरी कर चुकी है, सारे तथ्य सामने रखेगी, उसके बाद सरकार की तरफ से इस कांड को लेकर फैसला किया जाएगा या फिर अभी सीबीआई की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाएगा। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अपनी अलग जांच है, सरकार अपनी एसआईटी की जांच पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो जांच सीबीआई जो कर रही है वो सीधे सीधे ये तय करेगी कि लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद जो हत्या की बात सामने आ रही थी, ये एक आरोप लग रहा था कि पीड़िता की जो मौत हुई है, आरोपियों ने जो अंदर से पत्र लिखा था कि पीड़ित की माँ और पीड़ित के भाई उसकी हत्या के गुनहगार हैं। एक तरफ परिवार आरोप लगा रहा था कि इस पूरी हत्या के पीछे तीन लोग दोषी हैं जो जेल के अंदर बंद है, तो सीबीआई उस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार ये ऑनर किलिंग है या फिर रेप के बाद दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात है। तो इस सारे पहलुओं पर सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी की जो टीम है वो इस बात को जांच कर रही थी कि आखिरकार जो लूपहोल थे वो किस तरीके से आए, किन किन लोगों की मिलीभगत थी, कौन किसको बचाने में लगा हुआ था, और साथ ही साथ ये गवाह जो पूरी ब्लाइंड मिस्ट्री थी उसमें गवाह कौन कौन बन सकते हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सीबीआई की अपनी इन्वेस्टिगेशन का अलग पैटर्न है और एसआईटी का अपनी इन्वेस्टिगेशन का अलग पैटर्न है, और मुख्यमंत्री और जो सरकार को फैसला लेना है, उत्तर प्रदेश के सूबे में बैठे जो बड़े अधिकारियों को लखनऊ से फैसला लेना है, वो एसआईटी की जांच रिपोर्ट में लिया जाएगा। जी शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस कांड को लेकर फैसला भी लिया जाएगा। हालांकि जो सीबीआई जांच कर रही है वो अलग जांच कर रही है,